वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज अजय आर्यन। यू गाइस आर वाचिंग अजय आर्यन व्लॉग्स। और आज एक फिर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम जा रहे हैं मंदिर। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे, लगभग 5 बज गए और हम सब लोग रेडी हो गए। अभी रात में इतने लेट में सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। अभी थोड़ी देर पहले खुली, आधा घंटा जल्दी से रेडी हुए और अभी हो गए सब लोग रेडी। और अभी अब हमारी बस आने वाली है, तो आज वही पता ही है सबको, आज वैष्णो देवी जाना है। तो बस अब निकलते हैं, उधर चलते हैं, देखते हैं सब लोग हो गए नहीं रेडी करके, उसके बाद चलते हैं सीधे मंदिर की तरफ। ये सभी लोग हो गए यहाँ पे रेडी मंदिर जाने के लिए। ये देखो, ये सब लोग हैं तैयार। विष्णु देवी, इधर दिखाता हूँ मैं यहाँ का। यहाँ भी देखो सब लोग हो गए रेडी। पंटू पंटू देखो, हाय गाइस बोलो। कहाँ जा रहे हैं हम? वैष्णो माता बोलो। कहाँ जा रहे हैं? चल बोल। विष्णु दीदी, विष्णु दीदी। अरे अभी आ गई हमारी बस, देखिए आगे खड़ी है और सभी लोग आ रहे हैं अभी, तो चलते हैं बस में बैठते हैं। आगे की कार्रवाई कैमरामैन पवन के साथ। वैष्णो देवी मैया की पागल व्यू यहाँ से भी तो दिखेगा। रोहन के बाल बड़े चमक रहे, देखो ये देखो, ये रोहन के लगा रखा तेल। ओहो थूक लगाया ने। ओहो बढ़िया बढ़िया भाई, ये तगड़ा भाई। हम बैठे सबसे पीछे, ये अनुज है, ये मैं हूँ, गोदी में बैठा ना, गोदी में दीपक है। और ये तो कौन है भाई? ये गुमशुदा है। लाइट नहीं जल रहा है यार यहाँ पे। शीतल को बैठ दो छत में, यहाँ बैठ जाए आ जाएगी शीतल, इसी सीतू को बैठा दे यहाँ पे, इसको ये नहीं लगे। तो गाइस जय वैष्णो देवी मैया की जय। बस हो गई स्टार्ट, बार का व्यू है। चल गई है बस, चला बाय। हो रहा है भाई, तो गाइस अभी हम चल पड़े मंदिर की तरफ, दिखाइए लोगों को। Thank you.
जाना पड़ता है। तो भी लाइन लगानी पड़ेगी लेखनी के पीछे। गाइस देखिए पूरी लाइन लगी है मंदिर के लिए जाने के लिए। देखो हम वैष्णो देवी पहुंच गए। अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। बोलो यहाँ से पैदल जाएंगे। बाय। अपना टिकट काउंटर यात्रा टिकट काउंटर यहीं से अपना टिकट कटेगा। यहीं पे लगाते हैं गाड़ी। यहाँ से लेते हैं टिकट। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम यहाँ। अब यहाँ से जाएंगे पैदल क्योंकि नाल यहाँ से पैदल जाएंगे ना हम लोग। क्या पहाड़ पहुंचेंगे? हाँ पहाड़ पहुंचेंगे सीधा। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ फिर दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस अभी हमने टिकट तो करा दिया। टिकट तो क्या मतलब ये आईडी मिलती है जाने से पहले। सबके पास ये होगा तो तभी एंट्री होगी मेरे ख्याल से। तो यही है जो भी है। तो यात्रा से पहले इसको लेना ज़रूरी है। इसको यहाँ पर अलग आर्मी वालों का तो अलग है, बाकी जो सिविलियन वगैरह होते हैं तो उनका अलग जगह उधर उस तरफ है। तो वो वहाँ से अपना आईडी कार्ड ये लेते हैं उसके बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं पैदल। तो अभी हमने ले लिया, आप सभी ले रहे हैं, फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं फिर दिखाते हैं और चीज़ें। अभी हम यहाँ पे लैंड करेंगे। टॉप को जूम करके दिखाइए। वो है देख। तो गाइस हम जाएंगे पैदल पैदल यात्रा के लिए। सभी लोग लाइन से आइए। तो गाइस अभी हमारी हो चुकी है यात्रा शुरू। में लग गई भाई को चलते चलते। तो हम तो शर्ट में आए थे, टी शर्ट में आए पीछे ये दीपक। अरे मैं क्यों आ रहा हूँ, आएगा भाई आएगा।
गाइस अभी हम पहुंच गए आधा रास्ता, अभी 10-12 किलोमीटर और चलना ऊपर। बहुत थक गए सभी लोग, तो अभी चलते धीरे धीरे, फिर देखते आगे। इतना ऊंचा तो हम आए हुए हैं, और उससे भी ऊंचा पहाड़, और इसके पीछे एक और पहाड़ है जो इससे भी ऊंचा है। देखिए कितना ऊंचा है भाई साहब, भी बहुत बड़ा है। कौन थक चुका हूँ, सभी लोग इतना थक गए। शीतल तो और ज्यादा, चलो भूख लग रही है यार। क्या अभी चलते धीरे धीरे, जितना इजी लग रहा है देखने में गाइस है नहीं, एक बार आके देखना, बहुत टफ है सच में। चलते चलते पूरे, हेलो गाइस बोलो, हमें चलते चलते पूरा मतलब सुबह मान लो हम 7-8 बजे चले थे, और अभी हमें 11 बज चुका है। चलते चलते इतना लंबा रास्ता है, अभी और आगे चलना है। हे भगवान थक गए सभी लोग, हालत देखो, चेहरा देखो कैसा हो गया। तो अभी आगे मिलते हैं। बादल पूरे ऊपर तक बादल आ रहे हैं, और यहाँ भी हल्का हल्के बादल लगे हैं, तभी थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। देखो और देखो पूरे बादल, पूरे हम बादलों के बीच में अभी। वेलकम टू हेलो अभी हो गया 11:30, और अभी भी हम चलने में ही हैं, अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, मैंने तो अभी जूते भी खोल दिए, दिखाता हूँ। अब मैं नंगे पैर चल रहा हूँ, और आगे पूरा रास्ता ऐसा है देखो, और इधर पूरे बादल ऊपर तक आए हुए हैं। मम्मी ऐसा लग रहा था ये कैफे जगह जगह पे दिख जा रहा है, ये तपस्या भंग कर ले रहा है। मजा आ रहा है चलने में, ये देखो पूरे बादल ऊपर तक आए हुए हैं, और देखो कैसा रास्ता है वैष्णो देवी ऊपर जाने का। कॉफी पी लेते, कॉफी तो पी सकते हैं ना? नहीं पी सकते, कुछ भी नहीं ना। अबे हम बैठे हैं यहाँ पे, देख ये देखो ये पूरा रास्ता, और यहाँ पे देखो मेरी नानी और मौसी चाय पी रहे हैं। कॉफी तो थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद जाएंगे आगे। गाइस देखिए एक चीज दिखाता हूँ, बहुत टाइम बाद, कितने सालों बाद देखने को मिला हमें PCU और STD जो कि चालू है, अभी चलता है कि नहीं? कितने कम से कम 10 साल हो गए होंगे इसको देखे हुए। पहले चलता था ये, अब तो खैर फ़ोन आ गए इतने सारे, लेकिन यहाँ पे अभी भी चल रहा है देखो PCU और STD कॉलिंग। देखिए गाइस यहाँ से स्टार्ट है मामला, तो सभी लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो गाइस देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, ये राम मंदिर। और घर से जाती है सॉरी तो ऐसे तो यहाँ से आ गए, लेकिन हमें यहाँ पे लॉकर में सभी मोबाइल लेदर के बेल्ट और सभी चीज़ें बैग सब यहाँ लॉकर में रखना है, उसके बाद जाना है। मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते, तो यहीं पे ब्लॉग खत्म करते हैं, इसके आगे आके वापस दिखाएंगे, वापस आके फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ये लॉकर पे सारे हमने माता के दर्शन कर दिए, अब हम जा रहे हैं यहाँ से भैरव के दर्शन करने, ये सीढ़ियों से, वैसे सीढ़ियों से शॉर्ट है, और ऐसे गोल घूम के है ऐसे वाली सीढ़ी जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है, और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ
तो इनको चढ़ने में इतनी आफत आ रही, क्या बताऊँ। शॉर्ट तो है लेकिन चढ़ने में हालत खराब हो जा रही है। यहाँ धूप आ गई थी तो अभी थोड़ा सा ऊपर जाना, अभी जाते हैं ऊपर, फिर कराते हैं वहाँ के दर्शन आप लोगों को। तब तक मैं यहाँ से व्यू दिखाता हूँ पहाड़ का, कितना मस्त व्यू आ रहा है। देखिए अब कितने ऊपर आ गए पूरा, सबसे टॉप। ये है सबसे टॉप भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ पीछे अभी मंदिर के दर्शन तो नहीं किया, मैं यहाँ से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू, एक मिनट पूरा देखना। अभी भैरव मंदिर से हम तो दर्शन करके आ गए, अब हम जा रहे हैं अर्धकुमारी, जहाँ वैष्णो देवी माता 9 महीने गुफा में रही थी, वो गुफा देखने हम जा रहे हैं अब। तो अभी उसी रूट पे हम ये सीधे वहीं जाते हैं रास्ता, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। और मेरे साथ ढोकली भी है, ढोकली हेलो बोलो। हेलो, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, मंदिर। और देखो गाइस घोड़े कैसे चल रहे हैं, देखो। तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं ना, तो चलो। तो अब मैं मंदिर में कराते हैं आपको लोगों को दर्शन। दर्शन तो क्या कराते हैं, वो मंदिर में अंदर कहीं दर्शन कैमरा लेने तो लेके जाने दे रहे हैं, तो ऐसे ही बाहर बाहर ही दिखाएंगे। तो मिलते हैं वहीं। टाइम हो गया 8:08 और अभी हमको कितना नीचे जाना है दिखाता हूँ मैं। हमको जाना है यहाँ जहाँ लाइटें जल रही है, इतना नीचे जाना है अभी हमको, और 8 बज चुका है और अभी भी हम यहीं हैं नीचे की तरफ। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीचे, हालत इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ कह ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा थक गए बहुत बहुत। और अभी मैंने यहाँ से नीचे पहुंच के मैंने देखा कि हम कहाँ तक गए, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि हम इतना चल के भी आ चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कितने, हम लोग कितने ऊपर तक गए हुए थे। इधर से स्टार्ट किया और पहाड़ी के ऐसे चल के ऐसे चल के ऐसे इतना पूरा चल के फिर जाके इधर साइड से चढ़े और इस तरफ से ऐसे पहाड़ी के ऊपर ऊपर चढ़ के इस तरफ से हम लोग नीचे आ रहे, इतना ज़्यादा चल गए। अब हालत ख़राब हो गई, अब चलते आगे थोड़ा कुछ खाते हैं फिर चलते सीधे घर। ये जो जहाँ ये लाइट जल रही है जिंदगी में, हम लोग इधर से चलते 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 जहाँ जहाँ लाइट जल रही है हाँ पूरा चलते 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 उधर से हम लोग नीचे आए पूरा, इतना ज़्यादा चले हैं आज हम। पार्टी लग गई, शकल देखो कैसी हो गई बिल्कुल, लेकिन मज़ा आया जो भी था, मज़ा तो आया। क्यों भूल से भी यहाँ जो पहली बार आए हैं उनके लिए फीडबैक है, अगर आए तो खच्चर में ही आए ना लाए, फर्स्ट और पहली फीडबैक तो फीडबैक आपको अच्छे से घर जाके दिया जाएगा शांति से, बच्चों को ना लाए। हमारी हालत लोग सब आ गए और अभी हम पहुंच गए, अभी हम बस में बैठे, सबके मुंह ऐसे उतरे क्या बताऊं। तो गाइस अभी हम जाते सीधे घर, अब और उसी के साथ यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि अभी मन नहीं है ब्लॉग बनाने के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।